हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस एसे ऑन चंद्रयान 2। इससे पहले मैंने दो इम्पॉर्टेंट एसे और डिस्कस करे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आर्टिकल 370 और दूसरा इसरो एंड इट्स अचीवमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आगे हम क्या कवर करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट यूज दी या सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। तो ब्रीफ इंट्रो देखेंगे हम चंद्रयान 2 का, फिर वाई चंद्रयान 2, उसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स और पूरा मिशन का टाइमलाइन, और लास्ट में कंक्लूजन। तो चंद्रयान 2, ओके, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ब्रीफ इंट्रो, जो कि आपको ऐसे के इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना है। तो चंद्रयान 2 क्या है कि ये दूसरा चांद पे आप बोल सकते हो कि मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1 था, जिसने एक तरह से पानी की स्टडी करी थी वहाँ पे, और डिटेल में पानी की स्टडी करने के लिए चंद्रयान 2 को भेजा गया है। ओके, और इसमें क्या क्या है चंद्रयान 2 में, इसमें एक लूनर ऑर्बिटर है जो कि मून के चक्कर लगाएगा, एक विक्रम लैंडर है और एक प्रज्ञान लूनर रोवर है। ओके, ये तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो इसका मेन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो मून का जो सरफेस है उसको अच्छे से पढ़ना, उसकी कंपोजिशन को पढ़ना कि कैसे है वो, उसका सरफेस किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ओके, और लोकेशन एंड अबंडेंस ऑफ लूनर वाटर, ठीक है, और पानी के लिए भी इस, और पानी में, और जो मून पे जो पानी है उसकी भी स्टडी कर सके। उसके बाद चंद्रयान 2 इज़ एन इंडियन लूनर मिशन दैट विल बोल्डली गो वेयर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मिशन है ये उस जगह पे भेजा जा रहा है जहाँ पे अभी तक कोई भी कंट्री नहीं गई है, यानी कि मून का जो साउथ पोलर रीजन है वहाँ के लिए ये मिशन है, राइट। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मून की वो अंडरस्टैंडिंग हो सके कि वहाँ पे क्या कैसा, मतलब वहाँ पे पानी है कि नहीं है, और वहाँ का जो सरफेस है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई थी। ओके, और जितनी भी डिस्कवरीज होंगी ये इन दी लॉन्ग रन बेनिफिट करेंगी इंडिया और ह्यूमैनिटी को। ये आप देख सकते हो कि ये जो तीन मेजर कंपोनेंट हैं इसके चंद्रयान 2 के, प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर। नेक्स्ट इज़ वाई चंद्रयान 2। अब देखिए चंद्रयान 2 क्यों, क्योंकि जो मून है वो सबसे पास में है, ठीक है, वहाँ पे आप इस स्पेस एक्सपेडिशन आराम से कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि अदर प्लैनेट्स पे आप जाओ, ठीक है। तो जो मून है वो सबसे क्लोजेस्ट कॉस्मिक बॉडी है, और जहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो स्पेस रिलेटेड जो डिस्कवरीज हैं वो वहाँ पे फाइंड की जा सकती हैं। तो मून पे पहुंचना आसान है एज़ कम्पेयर टू और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, तो इस वजह से चंद्रयान 2, और एक तरह से ये प्रॉमिसिंग टेस्ट बेड भी है, तो टू डिमॉन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर डीप स्पेस मिशन। अगर आपको डीप स्पेस मिशन करने हैं तो उसके लिए आपको एक तैयार होना पड़ेगा, तो उस तैयारी के लिए ये चंद्रयान 2 है जो कि मून पे है। उसके बाद चंद्रयान 2 अटेम्प्ट्स टू फॉस्टर अ न्यू एज ऑफ डिस्कवरी, वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या क्या है, ताकि प्रोमोट ग्लोबल अलायंसेज। अब क्या होगा कि जब आपका मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जब आप चांद पे जाके स्टडी करोगे, तो दूसरे कंट्रीज़ के जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी वहाँ पे जाना चाहेंगे, लेकिन उनका खुद का स्पेस एजेंसी ना होने के कारण वो किसकी हेल्प लेंगे, इंडिया की हेल्प लेंगे, तो इससे ग्लोबल अलायंसेज बढ़ेंगे, राइट। उसके बाद वॉट आर दी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 2, वाई एक्सप्लोर द लूनर साउथ पोल। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये वाला जो मिशन है वो लूनर साउथ पोल पे भेजा जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे अभी तक कोई भी कंट्री नहीं गई। तो अब इसका, अब ये ऐसा क्यों करा जा रहा है, ये इसलिए करा जा रहा है कि जो चंद्रयान 1 में जो मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड हुए थे वाटर के, ठीक है, जो एविडेंस मिले थे उसको और अच्छे से पढ़ा जा सके, उनका मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ा जा सके। ओके, और उसके बाद ये वाला जो साउथ पोल है ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जो इसका आप बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम जो एरिया है वो शेडो में रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे परमानेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। तो यही मैं लास्ट तीसरे पॉइंट में यही लिखा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन परमानेंटली शेडोज एरिया राउंडेड, जो वहाँ पे परमानेंटली शेडोड एरिया हैं वहाँ पे पानी की खोज हो सकती है, पानी वहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद साउथ पोल रीजन में क्रेटर्स हैं दैट आर कोल्ड ट्रैप्स एंड कंटेन अ फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ अर्ली सोलर सिस्टम, ठीक है, तो वहाँ पे सोलर सिस्टम के जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं वो भी वहाँ पे मिल सकते हैं। और उसके बाद देखिए चंद्रयान 2 ने अटेम्प्ट किया था टू सॉफ्ट लैंड द लैंडर
हालांकि वो सही से नहीं हो पाया था। कुछ जो लास्ट में शिवान जी ने यह भी बोला था कि क्रैश होने की वजह से, हार्ड लैंडिंग की वजह से कुछ किलोमीटर पहले ही कम्युनिकेशन टूट गया था उससे, लैंडर से, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अटेम्प्ट किया था इंडिया ने, ओके, बिटवीन टू क्रेटर्स, वो दो क्रेटर्स कौन से थे, मैंजुनस सी एंड सिंप्लियस एन, एट अ लैटिट्यूड ऑफ अबाउट 70 डिग्री साउथ, राइट। नेक्स्ट इज टाइमलाइन ऑफ द मिशन। अब मिशन का पूरा टाइमलाइन देखते हैं, कब स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ, ओके। तो ये मिशन 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया था वो यूज़ किया था GSLV Mark 3, राइट, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद जो क्राफ्ट था वो मून के ऑर्बिट में 20 अगस्त को पहुंचा था, और उसने फिर जो ऑर्बिटल पोजीशनिंग है वो स्टार्ट कर दी थी ताकि विक्रम लैंडर को लैंड करवाया जा सके, राइट। और जो विक्रम लैंडर को लैंड करवाना था वो एट अ लैटिट्यूड ऑफ अबाउट 70 डिग्री साउथ करवाना था, और वो कब होना था, 6 सितंबर 2019 को, ताकि जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पूरे एक लूनर दिन के लिए करे जा सके, जो कि अर्थ के अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स के बराबर होते हैं। हालांकि 2.1 किलोमीटर की जब डिस्टेंस रह गई थी मून की सतह से, तो लैंडर के साथ कम्युनिकेशन टूट गया और उसके बाद उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। और फिर इसरो के जो चेयरमैन है के शिवान, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इट मस्ट हैव बीन अ हार्ड लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग की वजह से लैंडर शायद लैंड ना हो पाया हो, क्रैश हो गया हो, राइट। तो उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। हालांकि उसके बाद नासा ने भी अटेम्प्ट किया कि उसको खोजा जाए, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं रहे, ओके। तो ये वो लॉन्च व्हीकल है, आप देख सकते हो, ओके, तो आप देख लीजिएगा। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि चंद्रयान 2 है, आप बोल सकते हो कि इसने एक पाथ क्रिएट कर दिया है ताकि और जितने भी लूनर आगे, जो और कॉम्प्लेक्स लूनर एक्सपेडिशंस हो, उनके लिए एक रास्ता साफ कर दिया है कि आगे और भी लूनर एक्सपेडिशंस किए जा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसरो ने हर बार अपना कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट प्रूव किया इंडिया को और दूसरे को कि वो भी एक अब स्पेस पावर है, एक बहुत बड़ा स्पेस पावर है। और कंटिन्यूइंग विद द सेम पेस इंडिया कैन अचीव मार्वल्स इन इट्स स्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको स्पेस रिलेटेड ऐसे आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये दो पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं कंक्लूजन में, ठीक है, क्योंकि स्पेस जो एजेंसी इंडिया में इसरो है, जितने भी स्पेस एक्सपेडिशन करती है वो इसरो करती है, तो आपको स्पेस से रिलेटेड अगर कुछ भी आए तो आपको कंक्लूजन में ये दो पॉइंट लिखने ही लिखने हैं, राइट। तो गाइज, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको जितना भी कंट्रीब्यूट करना हो, 100, 200, 150, जितना भी करना है आप कर सकते हो। इससे हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू गाइज़।